हेलो गाइस, तो यहाँ पे मम्मी तैयार कर रही हैं मक्खन फ्रेश फ्रेश भोग के लिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है मक्खन, और ये हमारा मक्खन है बिल्कुल रेडी। गाइस, मम्मी पूरा डेकोरेशन जो जन्माष्टमी का है वो अपने टेरेस गार्डन में कर रही हैं। तो यहाँ पे वो पूरा डेकोरेशन कर रही हैं, और यहाँ पे ही झूला लगेगा, और हम दही हांडी भी यहीं लगाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हम पूरा तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा तैयारी करके लाई है मम्मी, और यहाँ पे हमने लगाया झूला, और बारिश का थोड़ा सा मौसम है तो यहाँ पे छाता भी लगाया जा रहा है। कितना प्यारा सा लग रहा है। तो ये यहाँ पंचामृत से स्नान करवा रही है मम्मी। अभी गंगा जल तो यहाँ पे मम्मी पूरा क्या कर रही है, स्वास्तिक बना रही है हल्दी के चावल से। यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो चुका है, और मम्मी लड्डू गोपाल को झुला रही है झूला। तो ये पूरा डेकोरेशन है इस तरीके से। यहाँ पे दही हांडी है इस तरीके। तो यहाँ पे हमारे कृष्ण जी आ गए हैं दही हांडी फोड़ने के लिए। यहाँ पे हमारे कृष्ण जी आइडिया लगा रहे हैं कि मटकी फोड़ेंगे तो क्या हाइट होगी और किस तरीके से फोड़ेंगे, तो यही प्लानिंग चल रही है दिमाग में। के झंड के वाले हैं तू आज शोला तो हम भी फुवारे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। जहां तुम निकले है तुम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। यहाँ पे पूरा डेकोरेशन हो चुका है, और मम्मी लड्डू गोपाल को झुला रही है झूला। तो ये पूरा डेकोरेशन है इस तरीके से। यहाँ पे दही हांडी है इस तरीके। और सिर्फ 5 मिनट बाकी है, और देख सकते हैं किस तरीके से आंधी तूफान आ चुका है पूरा।
बहुत ही भयंकर बारिश भी आ रही है और बिजली कड़क रही है। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया था तो हम लड्डू गोपाल जी को नीचे ले आए हैं। जगह चेंज हो गई है अभी।